जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उसका नाम हमने रखा वॉल्यूम कंट्रोल। क्या है कि आवाज में मॉड्यूलेशन, एक्सप्रेशन, इमोशंस, इसके साथ साथ हमें अपनी वॉल्यूम के ऊपर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए। कितना लाउड बोलना है, कितना लो बोलना है, या किसी भी लाइन को एकदम लाउड भी बोलना पड़ सकता है, एकदम कम आवाज में भी बोलना पड़ सकता है। तो हमें अपनी वॉल्यूम को भी कंट्रोल करना आना चाहिए। सिंपल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे सिंपल सी एक मैं लाइन लेता हूँ, यार जरा समझने की कोशिश करो या समझो। तो इससे अलग अलग वॉल्यूम में मैं अगर बोलता हूँ तो कैसे बोलूंगा? अरे यार थोड़ा समझने की कोशिश करो ना यार, थोड़ा समझो यार, अरे थोड़ा समझो ना यार, समझने की कोशिश करो। अरे समझो यार, समझ नहीं रहे हो आप। अरे समझो ना यार, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, आप समझते क्यों नहीं? अरे समझो ना यार, क्यों नहीं समझ रहे हो यार, आपको समझा रहा हूं मैं बार बार, आप समझते नहीं हो। तो एक ही लाइन है बट हमने उसको पहले बहुत बिल्कुल लो वॉइस में बोला है, कम आवाज में बोला है, फिर हमने धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ाई है। तो उसके लिए क्या है कि लगता है देखने में आसान बट हमारे हमें अपनी ना वॉल्यूम के ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो कोई भी आप अपना डायलॉग ले सकते हैं, कोई भी लाइन ले सकते हैं और उसको अलग अलग लाउडनेस के साथ, अलग अलग वॉल्यूम के साथ बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर एक लाइन में आपको बता, एक लाइन आप नोट कीजिए, उर्दू बाजार जाइए, जामिया मस्जिद के चौक जाइए, खुदा बख्श के मोहल्ले जाइए, जाइए जाइए, यहां कोई जगह खाली नहीं है, क्यों जबरदस्ती आप मेरे ही सर पे चढ़े जाते हैं। ये लाइन है। एक बार इस लाइन को बिल्कुल नॉर्मल वॉइस में आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए फ्लो के साथ, जैसे उर्दू बाजार जाइए, जामिया मस्जिद के चौक जाइए, खुदा बख्श के मोहल्ले जाइए, जाइए जाइए, यहाँ कोई जगह खाली नहीं है, क्यों जबरदस्ती आप मेरे ही सर पे चढ़े जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल जैसे हम रेडियो की वॉल्यूम मिनिमम से मैक्सिमम पे करते हैं, तो इसको बिल्कुल मिनिमम से शुरू करना है, मैक्सिमम पे ले जाना है, और फिर मैक्सिमम पे शुरू करना है और मिनिमम पे लेके आना है। कैसे? फर्स्ट हम मिनिमम से मैक्सिमम पे जाएंगे। उर्दू बाजार जाइए, जामिया मस्जिद के चौक जाइए, खुदा बख्श के मोहल्ले जाइए, जाइए जाइए, यहां कोई जगह खाली नहीं, क्यों जबरदस्ती आप मेरे ही सर पे चढ़े जा रहे हैं। अब इसे उल्टा करेंगे। उर्दू बाजार जाइए, जामिया मस्जिद के चौक जाइए, खुदा बख्श के मोहल्ले जाइए, जाइए जाइए, यहां कोई जगह खाली नहीं, क्यों जबरदस्ती आप मेरे ही सर पे चढ़े जा रहे हैं। तो छोटी सी एक्सरसाइज है, सिंपल है, आप प्रैक्टिस करेंगे दो बार, चार बार, दस बार तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम देखते हैं गौरव के साथ की एक्सरसाइज करके वो कैसे करता है। बाजार जाइए, जामिया मस्जिद के चौक जाइए, खुदा बख्श के मोहल्ले जाइए, जाइए जाइए, यहाँ कोई जगह खाली नहीं है, क्यों जबरदस्ती आप मेरे सर पे चढ़े जा रहे हैं। उर्दू बाजार जाइए, जामिया मस्जिद के चौक जाइए, खुदा बख्श के मोहल्ले जाइए, जाइए जाइए, यहाँ कोई जगह खाली नहीं है, क्यों जबरदस्ती आप मेरे सर पे चढ़े जा रहे हैं। तो देखा आपने, देखने में और सुनने में लगता है बड़ा सिंपल है, लेकिन जब हम खुद करते हैं तब हमें पता चलता है। तो जब भी आप ये एक्सरसाइज करेंगे, ये लाइन को जब बोलेंगे, तो एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि स्मूथ जाना है, जर्क नहीं आना चाहिए, बिल्कुल जैसे मैक्सिमम से मिनिमम या मिनिमम से मैक्सिमम जब हम रेडियो की या टेक्निकल की वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो स्मूथ जाता है, ऐसे जर्क नहीं आना चाहिए। और दो तीन बार जब प्रैक्टिस करेंगे, दो बार चार बार, तो धीरे 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 ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बताते हैं क्या है।